अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैमरा उठाया, ब्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ ना, तो मैं अपना बैकग्राउंड देखती हूँ ना, खुद को देखती हूँ यार। ब्लॉगिंग यही है, जो रियलिटी है वही दिखाना। अस्सलाम वालेकुम, पता नहीं सलाम की मैंने कि नहीं की। गुड आफ्टरनून, 3:30 का टाइम हो रहा है आई थिंक, और अभी जस्ट मैंने नहाया, लेट हो गया, मतलब जस्ट नहीं नहाया, 2:45 पर नहा लिया था। और देखिए यहाँ पर, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अभी शाम हो रही है, बट शाम नहीं हो रही है अभी, और अभी थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है, तो धूप तो बहुत कम ही निकली है, निकली नहीं, नाम के लिए निकली होगी थोड़ी बहुत, मैं मुझे तो नहीं दिखाई दी। और 2 दिन पहले परसों यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो गई थी, जिससे सर्दी थोड़ी सी बढ़ गई है। और ये मेरी कुर्ती और चश्मा सेम सेम लग रहा है कलर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये सामने सामने ही है, साथ ही है। ये 19 को आज डिनर का प्रोग्राम है उनके यहाँ, हल्दी प्रोग्राम और डिनर प्रोग्राम भी होगा, तो जाएंगे इंशाल्लाह, रात का है प्रोग्राम, तो जाएंगे रात को पार्टी में जाएंगे यहाँ पर। और मोहल्ले में है मुमानी, लगती है उनकी बेटी की शादी है, तो शाम का प्रोग्राम है। और ये देखिए स्टैंड, ये स्टैंड यहाँ पर क्या है, नीचे रखे हुए थे पहले गमले, तो यहाँ पर ये गंदा हो रहा था पूरा फर्श। नीचे चल के तो अभी तो नहीं बनाएंगे चाय, थोड़ी देर से बनाएंगे चाय, अभी तो 4 बजे भी नहीं बजे हैं, 4:30 तक पियेंगे, और सुबह मैंने बनाए थे। Thank you.
गया है और मैंने ड्रेसअप कर लिया है, जो मुझे पार्टी में ड्रेस पहन के जाना है वो मैंने ड्रेस पहन लिया है, बस मुझे हेयर कॉम करना है और तो बस, और मैं रेडी हूँ। बच्चे भी मैंने तैयार कर दिए हैं, बच्चे ही तैयार हो गए हैं और बस मुझे कॉम करना है तो मैं कॉम कर लूँगी। और बस मेरा यही सिंपल सा मेकअप रहता है, मैं ज़्यादा मेकअप वेकअप नहीं करती हूँ, बस जो भी है इतना ही करती हूँ। किसी भी पार्टी में जाऊँ, शादी में जाऊँ या फिर किसी पार्टी में जाऊँ, मैं इसी तरह से मेकअप करती हूँ जो मैंने आपसे शेयर किया। ज़्यादा मेकअप बस अभी पार्टी से आ गए हैं हम लोग और 8:30 के अंदर ही आ गए थे। 7 o'clock पर जाना हुआ और 1.5 घंटे के अंदर ही आ गए थे। एक्चुअली क्या है, मिलाद माजा था तो दोपहर का प्रोग्राम था, और दोपहर का प्रोग्राम था, शाम तक वही शाम हो जाती है, दोपहर में मिलाद हुई, फिर शाम को मांजा हुआ, फिर डिनर का प्रोग्राम था। तो बस मौली की सिस्टर थी यानी मेरी ननद लगती हैं, तो स्पेशली बोला था कि भाभी आना है तो बस जाना तो था ही, कुरेसी जी नहीं थे लेकिन बस फिर भी जाना था तो इसलिए गए थे। और बस थोड़ा सा 1.5 घंटे के अंदर ही निपटा कर आ गई मैं। और बस अभी मैं यहाँ पर बनाऊँगी चाय क्योंकि कुरेसी जी भी आ गए हैं, उनको ड्यूटी से आना था, तो अभी 9 बजे का टाइम हो गया है, 9 o'clock हो गए हैं और मैंने चेंज नहीं किया था बस, तो अभी मैं चेंज करूँगी और यहाँ पर चाय बना रख दूँ मैं। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, फिर जस्ट चेंज करूँगी और तो बस जस्ट हम लोग चाय पियेंगे। कुरेसी जी आ गए हैं, ये कुरेसी जी का बैग पड़ा हुआ है, ड्यूटी का बैग लेके जाते हैं ना, तो ये बैग पड़ा हुआ है, वो फ्रेश होने गए हैं, तो हम लोग भी बैठ के चाय पियेंगे और इसी के साथ हम अपना ब्लॉग करेंगे, इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। आपको पसंद आएगा, जरूर पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।